दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन अप के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, धारा 144 क्या होती है, क्यों कर्फ्यू लगाया जाता है, इस धारा में क्या क्या प्रावधान है और इस धारा के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं। सीआरपीसी की धारा 144 है। धारा 144 क्या होती है, कब और कितने समय के लिए ये लगाई जाती है, इसे कौन लगाता है, इसको तोड़ने पर क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसे कौन लगाता है? तो दोस्तों, आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 को सुरक्षित रखने के आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। यानी इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्व इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है। धारा 144 क्या होती है? तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 144 किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन धारा को लगाया जा सकता है, जैसे कि दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट और महामारी, जैसे कोरोना अभी प्रभावित कर रहा है तो बहुत सारे स्टेट में ये धारा लगाई गई है। शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ये धारा लगाई जाती है। इस आदेश की अवधि क्या होती है? धारा 144 केवल 2 महीने के अवधि के लिए वैध हो सकती है। राज्य सरकार वैधता को 2 महीने और अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। स्थिति सामान्य होने पर इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। धारा 144 लागू होने पर क्या होता है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने के बाद उस इलाके या क्षेत्र में 4 या 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और उस क्षेत्र में हथियारों के लाने अथवा ले जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, उस पर रोक है। बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यातायात को भी इस अवधि के लिए रोक दिया जाता है। लोगों के एक साथ एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। जब धारा 144 लगाई जाती है तो किस प्रकार के प्रतिबंध या रोक होती है? किसी इलाके की परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए ही इस धारा को लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक हितों और निजी अधिकारों के बीच संघर्ष होने पर निजी अधिकारों को अस्थायी रूप से अधिरोहित या ओवरराइड किया जा सकता है। नागरिक के सिविल अधिकार या किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर किए गए प्रश्न पर धारा 144 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। धारा 144 के आदेश किस प्रकार से पारित करने की आवश्यकता होती है, यह लिखित रूप में होने चाहिए। धारा 144 लगाने से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या धारा 144 लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे कुछ तथ्यों की मांग करने की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस तरह की ये है धारा 144 और उसके बारे में सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।